दोस्तों आप सब जानते हैं कि IGKV यानी कि इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में स्थित है, उसके साथ दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी 40 या फिर 30 कॉलेज है उन सभी का दोस्तों परीक्षा जो है UG PG और PhD का परीक्षा है, जो दोस्तों अभी फिलहाल न्यूज़पेपर में कटिंग आपको दिखाया था। साथ ही साथ आप सभी ने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा होगा, तो उस यूनिवर्सिटी में पेपर आखिर ऑनलाइन हो रही है आप सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्यों हो रही है, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में क्यों ऑनलाइन नहीं हो रही है, तो मैं बता दूं दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी में बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई थी, उसके प्रोफेसरों ने वहां पर पूरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया था और ऑनलाइन क्लास भी दोस्तों नियमित रूप से वहां पर नहीं लगी थी। इसी कारण स्टूडेंट भारी संख्या में एकत्रित हुए और इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षा मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। वो तब तक धरना प्रदर्शन करते रहे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अंत में दोस्तों उनके जो मेन अध्यक्ष है NSUI के, जो दोस्तों धरना प्रदर्शन के मुख्य हेड थे, और साथ ही साथ दोस्तों प्रोफेसरों रे और कुलपति की दोस्तों वहां पर मीटिंग हुई। इन सभी की वहां पर दोस्तों मीटिंग हुई, बैठक में किस लिए ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। दोस्तों वहां पर दोस्तों एक भैया थे NSA के साथ जो अध्यक्ष थे या फिर कोई कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने दोस्तों पूरे स्टूडेंट के जितने भी दोस्तों चाहते थे ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों होना चाहिए, किस वजह से होना चाहिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पर जाकर। तभी दोस्तों सब हामी भरी और सभी लोग वहां पर जो भी थे ऑनलाइन के लिए राजी हुए। उसके बाद फाइनली दोस्तों कुलपति जी है वो भी दोस्तों ऑनलाइन मांग के लिए राजी हो गए। अब उस प्रकार दोस्तों किस प्रकार से भैया ने जवाब दिया, किस प्रकार से वहां पर मीटिंग हुई, किस प्रकार का वहां पर मीटिंग हुई, अच्छे से उन सभी बात को आपको दिखाता हूं। आप एक वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो क्लिप में दोस्तों पूरा मीटिंग का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी हम लोग पढ़ भी रहेंगे कैसे, बच्चे सारे बच्चे 2 साल से बाहर हैं, किसी एक कोई कनेक्शन नहीं, जो अंबिकापुर के नारायणपुर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा अचानक से जाके कैसे व्यवस्था बनाएगा। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि अगर आप बोलते हैं 1 महीने का समय, विश्वविद्यालय पहले सब बोले थे 1 महीने का और समय देंगे, 1 महीने का समय देंगे तो 15 दिन तो बच्चे को अपने रहने के लिए रख जाएगा। रहने के बाद फिर हमारा एग्जाम होता है, 20 एग्जाम होता है, 20 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कम से कम 1.5 महीने लगेंगे उसको पूरा एग्जाम कराने में। तो इस हिसाब से हमारा सबसे 3 महीने पीछे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इसके बाद पिछले वर्ष का मैं केस बता रहा हूँ, पोमोलॉजी की स्टूडेंट थी, नेट क्वालिफाई थी ICAR पे, उसका नेट क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था। इस बार फिर 3 महीने डिले करने से जो आगे बच्चे हैं ICAR के एग्जाम नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है। ये तो इतने संक्षिप्त सूचना में हो ही सकती, अगर ऑनलाइन करना था आपको, ऑफलाइन करना था आप जनवरी में नोटिफिकेशन निकालते, इतने संक्षिप्त में देने से बच्चों का ही लॉस है, पूरे समस्त छात्र बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न कर रहे थे कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, सारे PhD के स्टूडेंट हैं, सारे PG के स्टूडेंट हैं, PAT क्वालिफाइड है, CET क्वालिफाइड है, CET PG CET PhD क्वालिफाइड, सब टॉप पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे हैं। अगर सब बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं, हम डरते हैं ये पढ़ने से, हम बोलते हैं हम बिल्कुल नहीं डरते, अगले साल ऑफलाइन एग्जाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखे होंगे किस प्रकार की बात वहां पर कही गई, क्या क्या वहां पर मामला हुआ। दोस्तों छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो रहे हैं दोस्तों सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही हम न्यू अपडेट के साथ नए वीडियो में।